हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा दिन के बाद एक वीडियो अपलोड किया हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैं वीडियो भी कंटेंट चूज़ करके कौन सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, कौन सा वीडियो आप लोग को ज़रूरत है इसके लिए टाइम लगता है, और ड्यूटी का सिलसिला में थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड करने में टाइम लग रहा है। लेकिन फिर भी आपको हर वीक में एक दो वीडियो मिल जाएगा। सही है, आज हम लोग बात करेंगे कि फोरमैन इंटरव्यू का टाइम जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, जो मतलब काम का साथ साथ में थोड़ा आपका नॉलेज, आप कितना होशियार है उसका बारे में भी कभी कभी सामने वाला जो इंटरव्यूअर होता है, मैनेजर हो या इंजीनियर हो, वो पूछ लेता है। सही है, तो उसका बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे इंटरव्यू में मेरा को भी ऐसे ही इंटरव्यू का क्वेश्चन में पूछा गया था कि जैसे टॉपिक ये है कि हमको, जैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, हमारे साथ 10 या 15 आदमी है, तो हम लोग एक रेसिडेंसी है 15 फ्लोर का, 10 फ्लोर का, 15 फ्लोर का, जो भी है हमको एक रेसिडेंसी है, उसका हमारा जिम्मेदारी वही है कि वो बिल्डिंग का काम हमको हैंडओवर देना है। तो एक फ्लोर में जैसा अपार्टमेंट है, पूरा सब अपार्टमेंट है, एक फ्लोर में जैसे 8-10 अपार्टमेंट है, तो वो सेम टिपिकल पूरा ऊपर तक है। जैसे 10 फ्लोर का बिल्डिंग है तो पूरा सेम ही टिपिकल में हर फ्लोर है। सही है, हम लोग एक फ्लोर काम कर दिया, दूसरा फ्लोर भी करना है, तीसरा फ्लोर करना है, चौथा फ्लोर, ऐसे पूरा फ्लोर हमको करना है। लेकिन हम लोग को टाइम कम वजह से आपको यही पूछा जाएगा कि जो आप काम कर रहा है, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, वो प्रोजेक्ट के अंदर में आपको जैसे 6 महीना टाइम था वो प्रोजेक्ट को हम लोग को हैंडओवर देने के लिए, तो हमको उसको 2 महीना पहले हैंडओवर देने के लिए क्लाइंट मांग रहा है कि उसको जल्दी चाहिए, ज़रूरत है, तो हमको और 2 महीना पहले उसको करना है। तो हम लोग जब 6 महीने का टारगेट हिसाब से जब हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग किया था, वो हिसाब से स्टाफ और लेबर टेक्नीशियन सब वो हिसाब से वो शुरू से इंटरव्यू करके जो भी है कंपनी से ये साइड वो साइड से पूरा लेकर आके वो सेट किया है। तो सडनली हमको जल्दी 2 महीना पहले काम खलास करके देना है, तो हमको क्या करना चाहिए? कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट जो डेट देता है उससे और थोड़ा लंबा चला जाता है, 1 महीना 2 महीना लेट हो जाता है, लेकिन इधर 2 महीना पहले आपको हैंडओवर देना है, तो आप इस जगह पे कैसे काम करेगा, कैसे आप 2 महीना पहले काम को ख़त्म करके दे सकता है, ये आपको पूछा जाएगा। कि आपका पास 15 आदमी है और आपको एक फ्लोर, एग्जाम्पल ले रहा है कि एक फ्लोर में आपको 10 अपार्टमेंट है, वो पहले हम जो नीचे फ्लोर काम किया वो हमको 2 महीना लगा, इसको हमको 1.5 महीना में खलास करना है, तो 15 दिन पहले खलास करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो आप कोई भी जो फोरमैन सुपरवाइज़र होता है वो ऐसे ही बोल देता है कि हमको और थोड़ा आदमी बढ़ाना चाहिए, या हमको और एक हेल्प करने के लिए दूसरा सुपरवाइज़र एक होना चाहिए, तो हमको डे में या नाइट में करना चाहिए, दोनों टाइम काम करना चाहिए, तभी हमको काम खलास कर सकता है थोड़ा जल्दी 15 दिन पहले। सही है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। सही, वो आपको बोलेगा कि नहीं, नाइट में अलाउ नहीं है वो प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, तो ओनली डे में ही करना है हमको, नाइट फुल नहीं करना है। तो डे का जो ड्यूटी होता है वो 8 घंटा होता है, उसका बाद में आदमी 4 घंटा तक ओवर टाइम कर सकता है। सही है, 4 घंटा तक आदमी, 5 घंटा तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे अंदर तक कर सकता है। तो 10 बजे हो जाएगा तो 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद आपको और आगे आपको 4-5 घंटा आपको टाइम मिलेगा ओवर टाइम करने के लिए, वो डे शिफ्ट का अंदर चला जाता है। सही है, 8 बजे तक आप हर दिन काम कर सकते हैं, तो 4 बजे तक आपका हो गया 8 घंटा ड्यूटी, उसका बाद में आप 5-6-7-8-4 घंटा आपको डे ड्यूटी, डे शिफ्ट के अंदर आप काम कर सकते हैं, उसके लिए नाइट का परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है, नाइट परमिट करने का ज़रूरत नहीं है। सही है, तो वो आप कर सकते हैं। तो आप वही उधर बोलने का है कि हमको मेन पावर नहीं बढ़ाने देता है कंपनी, क्यों बोलता है कि अभी इंटरव्यू करके फिर कहीं से आदमी ले कर आना है, और ये थोड़े एक ही प्रोजेक्ट के लिए हमको 2 साल के लिए आदमी को वीसा लगाना है, उसको काम देना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप प्लानिंग करो कैसे इसको खलास करने का, आप बताओ। तो आप उसी टाइम बताने का, ठीक है सर, जो हमारा है, हमारा काम को जो है, जितना हमारा काम बैलेंस है वो हिसाब से हम लोग प्लानिंग शेड्यूल, हमारा इंजीनियर का साथ में बैठ के हम लोग प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ मटेरियल बराबर अरेंज करेंगे, जो जो हमको चाहिए, उसका बाद में जितना हमारा पास आदमी है उसी आदमी से हमको उसको खलास करना है, और 15 दिन का पहले। तो कैसे करेंगे कि हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं 10 घंटा, जैसे हम लोग 8 घंटा ड्यूटी में 2 घंटा ओवर टाइम डेली कर रहे हैं, और 2 घंटा हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा टाइम हम लोग काम करेंगे, तभी हमारा काम जल्दी हो सकता है। सही, ये जो 2-2 घंटा में हमारा 15 आदमी काम करेगा, तो वो हमारा टाइम जो है 15 दिन पहले हम लोग काम ख़त्म कर सकते हैं, क्यों? हर दिन 2 घंटा हमारा लॉस है, एक आदमी का 2 घंटा लॉस है, तो 15 आदमी का मतलब 2 दिन का टाइम, 8-8 घंटा का जो ड्यूटी होता है, 2 दिन का टाइम वेस्ट हो गया। तो हमको एक दिन में हमको 15 आदमी से हमको 2 घंटा काम करने से
हमारा काम बढ़ जाता है, हमारा प्रोग्रेस बढ़ जाता है, तो हम लोग जल्दी काम ख़त्म करके दे सकते हैं। ये उसका आंसर है। आप यही बोलना है क्या कि वो आपको बोलेगा आदमी भी नहीं दे सकता है और नाइट डे दोनों टाइम काम नहीं कर सकते। जो टीम काम कर रहा है वही टीम, क्यों हमारा पास जो टीम है नाइट काम करेगा तो हमको वही टीम को आधा नाइट में डालेगा आधा डे में डालेगा, तो फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। वही टीम डे में करेगा तो सेम काम करेगा, जैसे आपको और आदमी नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा आदमी आपको नहीं मिलेगा कहीं से भी, आपको सप्लाई में या कंपनी इंटरव्यू के करके लेकर आके वो आदमी नहीं देगा। आपका पास जितना आदमी उससे काम खलास करना पड़ेगा। तो ये हर क्वेश्चन में हर इंटरव्यू में मैनेजर लोग ये पूछता है कि आपको आपका जो दिमाग है, आपका जो प्लानिंग है, आपका जो सोच है, वो आप कैसे उसको कर सकता है, कैसे उसको आप लोग काम पे लगा सकते हैं, आपको क्या आपका अंदर टैलेंट है जो आपको वो कंपनी में सिलेक्ट करे। सही है। तो यही उसका आंसर है कि हमको आदमी नहीं मिल सकता है तो नाइट में भी काम नहीं कर सकता है, तो हमको एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी करना पड़ेगा। सही है। जैसे हमारा पास 15 आदमी है, अभी नाइट में एक बार अलाउ कर दिया, अभी वही 15 आदमी से आप 7 आदमी या 5 आदमी नाइट में डालेगा, 10 आदमी डे में डालेगा, तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा कि वही 15 आदमी से हमको काम करना है। तो वही 15 आदमी से आप काम करेगा तो 15 आदमी डे में करेगा तो हो जाएगा, 5 उसको नाइट में डालेगा तो वही उतना काम करेगा। तो इसके लिए हमको आदमी को डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट नहीं करके हमको थोड़ा लंबा सेम आदमी को लंबा काम करेगा, क्योंकि एक दिन का जो ड्यूटी होता है हम रात 8 बजे तक हम कंटिन्यू काम कर सकते हैं, दूसरा दिन भी ड्यूटी आ सकता है, लेकिन वही आदमी को रात 10-12 बजे तक या 11 बजे तक या फुल नाइट में आदमी डाल देगा, नेक्स्ट डे में वो नाइट करने वाला फिर नाइट को आएगा, डे में नहीं आएगा। सही है। तो यही होता है उसका एक छोटा इन्फॉर्मेशन आप लोग को जो देना था। बहुत सारे इंटरव्यू में ये ऐसे आपका दिमाग को स्टडी करने के लिए, आपका एक्सपीरियंस को स्टडी करने के लिए वो क्वेश्चन आता है। आप लोग यही बोलने का हमको एक्स्ट्रा आदमी नहीं मिलेगा तो हमको टाइम बढ़ाना है, एक ही बात आप बोलने का हमको टाइम बढ़ाना। तो ये जो वीडियो में इतना लंबा समझाया, इसका मतलब किसके लिए बढ़ाना है और क्या क्या इसमें हो सकता है वो आपको डिटेल पूछेगा। तो इसके लिए मैं आप लोग को थोड़ा लंबा करके यही सोचा बताने के लिए, लेकिन टॉपिक यही है कि हमारे पास आदमी नहीं है तो हमको अच्छा प्लानिंग करना है और टाइम का हिसाब से, जैसे डेट का हिसाब से, इतना ये एरिया आज खलास करना है, इतना तारीख के अंदर ये एरिया खलास होना है, इतना अंदर तारीख के अंदर ये एरिया खलास होना चाहिए। तो शेड्यूल में हम लोग एक डेट वाइज काम को डिवाइड कर देंगे, उतना हम लोग फोकस करेंगे तो हम उसको कर पाएंगे, या उसमें 80% करेंगे फिर भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि एक दिन हम लोग 80% किया तो दूसरा दिन थोड़ा प्रेशर देंगे तो 90% या 100% हम लोग कर सकता है। तो यही होता है। तो आपको कोई भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि एक प्रोजेक्ट है उसको आपको 2 महीना पहले खलास करना है, तो सेम आदमी से आप क्या करेगा, आप बोलने का कि हम जितना घंटा ड्यूटी कर रहे हैं उससे 2 से 4 घंटा हम एक्स्ट्रा ड्यूटी करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो हमारा टाइम 2 महीना पहले हमारा प्रोजेक्ट हम लोग खलास कर सकते हैं। सही है। तो यही था छोटा सा वीडियो में, आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, और जो भी लोग व्हाट्सएप पे मुझे बात कर रहा है, मेरे को मैसेज कर रहा है, तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स के बाद फिर आप जो आप लोग को और कुछ समझना है तो फिर हम व्हाट्सएप से बात करेंगे। सही है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।